आयोग ने जो भी दिया, लेकिन लोगों का प्यार आशीर्वाद हम लोगों को मिला। पिछले चुनाव में हमने वादा किया था कि अगर हम सरकार हमारी बनती है, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो अगर मेरा पहला कदम चलेगा तो पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। जब हमने बोला 10 लाख नौकरी तो नीतीश जी कहते कहाँ से देगा, तो हमने उनको गिना दिया कि सारे रिक्त पर पदे हैं, स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस महकमे में, शिक्षा विभाग में, हर जगह खाली है, लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही है। बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है, और खास तौर पे ये मिथिलांचल का इलाका, कुशेश्वर स्थान के लोग, आप लोग ऐसा कोई नहीं होगा जिसको आप लोग नहीं जानते हुए पलायन नहीं किया हो, कोई ना कोई आपका साथी या जानकार दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी करता है, कमाने जाता है, यहाँ कोई काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, बेरोजगारी का पूरा केंद्र बना है, कमर तोड़ महंगाई है। ये भाजपा के लोग मोदी जी बोलते थे 15-15 लाख रुपए खाता में देंगे, क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार हर एक साल देंगे, क्या हुआ? आज आपका संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, रेलवे बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, LIC बेच दिया गया, सेल बेच दिया गया, कहीं कुछ बचा नहीं, सारे पूंजीपतियों के हवाले कर दिया गया, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी कहते थे मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, याद कीजिए, हर बात पे पलटी मारना उनका आदत बन गया है, उनको आवाम से प्यार नहीं, उनको जनता से प्यार नहीं, बिहार से प्यार नहीं, उनको केवल अपने कुर्सी से प्यार है, कुर्सी से समझौता करना, विचारधारा का समझौता करना। इसलिए देखिए हम लोग आपके बीच आए, बताइए नीतीश जी का विधायक रहा 15 साल और यहाँ उपचुनाव क्यों हो रहा? क्योंकि यहाँ के विधायक का निधन हो गया हजारी जी का, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हजारी जी दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे, क्यों नीतीश जी ने इतना भी एक अस्पताल भी बिहार में ढंग का नहीं बनाया जहां अपने ही विधायक का जान बचा लिया जाए, नीतीश जी अपने ही विधायक का जान नहीं बचा पाए, तारापुर के विधायक फोन करते रह गए कि हमको एडमिट करा लीजिए, ICU में भर्ती करा लीजिए, ऑक्सीजन दिला दीजिए, दवा की व्यवस्था नहीं, बताओ जो मुख्यमंत्री का विधायक ही नहीं भर्ती हो पाया, उसका अच्छे से इलाज हो जाता, उपचार हो जाता तो उसकी जान बच जाती, उपचुनाव नहीं होता, तो ये गलती किसकी? 15 साल से भी ज्यादा कौन नहीं होता है बिहार, एक विशेष स्थान का हालत देखिए, नाव बदलते बदलते अगर कोई बीमार पड़ जाए, नाव बदलते बदलते उसका जान चला जाएगा नाव में, ना दवा की व्यवस्था ना इलाज की व्यवस्था। पिछले चुनाव में हमने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम देने का काम करेंगे, लेकिन इस मौके लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।